अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा माजरा चाहती हूँ, थोड़ा टाइम पहले मैम माइक का थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से हमें ऑफ एयर होना पड़ा, लेकिन अब हम लोगों ने जो है सिचुएशन थोड़ी सी संभाल ली है तो हम वापस आ गए हैं। तो इस वक्त मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर शहजादुल हक। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे थे तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब एक बार फिर अपना तारुफ करा दें, आवाज़ नहीं थी पहले। शुक्रिया आपका। डॉक्टर शहजादुल हक, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी डायबिटीज मेटाबॉलिज्म इंटरनल मेडिसिन प्राइमरी की नेटवर्क ग्रेजुएट किया 93 में। फिर फर्दर एजुकेशन के लिए आई मूव टू अमेरिका और वहाँ पे अराउंड 10 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट बोर्ड्स सर्व करने के बाद फिर रिलोकेटेड बैक टू पाकिस्तान। अभी मैं प्राइमरीली काम कर रहा हूँ नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में, इवनिंग सेशन और मॉर्निंग सेशन है मेरे प्राइवेट क्लिनिक में इन द नेम ऑफ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर, वो भी डिफेंस में ही है। तो ये था डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ के ऊपर, थायराइड डिसऑर्डर्स के ऊपर और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के ऊपर। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जितने भी हमारे लाइफ में होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं, डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम है, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई। तो कुछ सवालात हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, साथ साथ डॉक्टर साहब जवाब देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब की डायबिटीज़ होती क्या है, किस तरह की किस्में होती हैं, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने व्यूवर्स को साथ साथ बताना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। तो मैं मतलब एक्चुअली एक टॉपिक जो है डेफिनेटली मस्ट से एक बड़ा एक डिमांडिंग टॉपिक है, उसके आसे कि शायद दुनिया में आई वॉन्ट से पाकिस्तान में इस मुल्क में उस मुल्क में दुनिया में शायद जो कि अपने फैमिली मेम्बर्स में डायबिटीज़ के कॉज ना आती। सो डायबिटीज़ बुनियादी तौर पर अपने व्यूअर्स के लिए कि डायबिटीज़ होती क्या है। अब डायबिटीज़ है जो नॉर्मल शुगर लेवल, उससे अगर शुगर लेवल आपकी बढ़ जाए मिकदार, अब नॉर्मल शुगर लेवल लोगों के लिए जस्ट फॉर द व्यूअर्स के है क्या। अगर आप 8 से 10 घंटे कम से कम 8 घंटे एवरेज 10 घंटे की फास्टिंग के बाद आप सुबह के वक्त उठें और अपनी शुगर चेक करें, अगर आपकी शुगर नॉर्मल है तो इट वुड बी लेस देन 100 mg/dL। अगर आपकी शुगर 126 एंड प्लस आ रही है तो दैट इज योर डायबिटिक, ठीक है ना। इन बिटवीन जो आ रही है दैट इज नॉट सेइंग योर डायबिटिक बट सर्टेनली इट्स नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, उसको हम प्री डायबिटिक लेबल करते हैं। और उसमें ही और शी वेरी केयरफुल क्योंकि डायबिटीज डेवलप होने का अगले चंद सालों में रिस्क बहुत ज्यादा है। अब इसमें आ जाता है कि जो शुगर चलो हो गई, डायग्नोज हो गई या फैमिली में रन करती है, आपको क्या चीज़ें बताएंगी, क्या अलामत लोगों में शो हो जाएंगी कि उनको इसके बारे में तहकीक फर्दर करनी चाहिए, अपने आप को वैल्यूएट कराना चाहिए। तो जब भी शुगर के साथ कोई मरीज होगा तो ग्रेजुअली उसमें देखा जाएगा कि पेशेंट को जैसे पॉलीयूरिया कहते हैं कि यूरिन का ज़्यादा आना, कि रातों को बार बार उठ के आप यूरिन कर रहे हैं, और आमतौर पर लोग आते हैं खासतौर पर देहातों में अंडरसर्व एरिया से और वो आगे कहते हैं जी हम जब यूरिन करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि कीड़ियाँ हमारी यूरिन के ऊपर आगे इकट्ठी हो जाती हैं। सो दैट्स वेरी प्रैक्टिकल एक वो साइन कह लो या अलामत कह लो कि भाई ये जो है ना इस बंदे को अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। अब क्योंकि यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, मुँह सूखता है, ड्राइनेस होती है, जिसम जल्दी स्किन ड्राई होती है, मुँह सूखता है और पानी पेशेंट बार बार उठ के वो कहते हैं हम पानी की डिमांड करते हैं या लिक्विड्स पीते रहते हैं। तीसरी चीज़ अब क्योंकि आपकी कैलोरीज वेस्ट हो रही हैं तो अब ये एक होता है कि इन लोगों में वजन कम हो रहा होता है ऑन एवरेज। सो कई दफ़ा लोग ज़्यादा मर्जी खाएं, हमारा तो वजन कम हो रहा है, सो अनहेल्दी वेट लॉस अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो तो आप कैलोरीज वेस्ट कर रहे हो और अलामत आती जा रही है, फिर थकावट, ठीक है, क्योंकि शुगर लेवल हाइपरटेंसिव, आपका जो ब्लड है वो रादर देन एक ब्लड के तौर पे लिक्विड के तौर पे फ्लूइड सर्कुलेट करे बॉडी में, वो इतनी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, थिक हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई शुगर कॉन्टेंट, कि वो परफ्यूजन आपके ब्रेन को आपके ऑर्गेन्स को बहुत ब्रेन के थॉट प्रोसेस फॉगी हो जाना और जिसम में जल्दी दर्दें होना, पेन्स एक्स और इस तरह बेचैनी रहना, ये अलामत नमूदार है। फिर कॉन्स्ट्रेशन का ना होना, जो अगली चीज़ आ जाती है कि पेशेंट जो जल्दी फील करते हैं कि जी वो हर वक्त थके रहते हैं, दर्दों में रहते हैं और सर दर्द हो गया, डिफरेंट अलामत आ गई, फिर आगे जाके इसकी शुरू रहती है कॉम्प्लिकेशन कि अगर शुगर जो है इस बंदे ने ना अपने आप को एलिवेट कराया, ना प्रॉपर ट्रीट किया और नंबर्स को नॉर्मल लेवल्स पर ना लेकर आया तो आपकी क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं चंद सालों में जाहिर होती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है माइक्रोवैस्कुलेशन में, जो छोटे शरियान हैं जिसम के वो डैमेज हो जाएं या वो जाके ब्लॉक होने के बाद कि पैरों में या हाथों में सनसनाहट फील होना,
पिन्स नीडल्स के सुइयां चुभती हैं आमतौर पर, जब लेटते हैं सोते हैं तो कमर या कोई कपड़ा टच हो जाए तो हमें बड़ी बेचैनी सी होती है, और सही रात सुइयां नहीं मिलती हैं आपको, सुइयां नमनेस या सुन रहना, ये चीज़ें। सो सेकेंड चीज आती है न्यूरोपैथी के बाद आपकी जो नेफ्रोपैथी, जिसे हम कहते हैं कि रीनल्स किडनी का डैमेज होना, और उससे बढ़ के जब शुगर अनकंट्रोल है, तो तीसरी चीज़ जा सकती है वो है रेटनोपैथी, या आपके रेटना का जो आंखों का पर्दा है उसका डैमेज होना। अब ये होगी कि जब छोटे शरियान बंद हुए, उसके बाद अगर बड़े शरियान बंद हो गए तो आपको सर्दी एम आई या माइक्रो इन्फार्क्शन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ जा रहे हैं, फिर स्ट्रोक के फालिश बना सो जाना, तो ये एक बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अब उसके अलावा आप छोटी कॉम्प्लिकेशन तो बेतहाशा होगी, जिसमें हम आगे जब भी बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आज जी अगर आप जल्दी कंसिडर करें कि पेशेंट डायबिटिक डायग्नोज हो गया है, तो आप इस डायबिटिक की ट्रीटमेंट क्या है, तो उसको हम प्राइमरी डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले आपके पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर उसकी फैमिली में हिस्ट्री है शुगर की, तो ही और शी हैज टू बी वेरी विजिलेंट कि उनका वेट जो है, वेट इंक्रीज ना, अगर वो ओबिसिटी की तरफ गए तो दैट मीन्स उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो जो आपकी बॉडी का इंसुलिन बनाने वाला ऑर्गन है पेनक्रियास, वहाँ पे जो आइलेट सेल्स हैं, वो ये फील करेंगे कि हमें बहुत रेजिस्टेंस आ रही है शुगर को नॉर्मल रखने में, और दे आर गोइंग टू गिव अप, क्योंकि किस हद तक वो रेजिस्टेंस को फाइट करेंगे। सो इन लोगों को पहली चीज़ तो ये ख्याल रखनी है कि उनका बी एम आई जो है वो 24 से ऊपर ना जाए, ठीक है, कि ओवर वेट जो माइक्रो ओबेसिटी की तरफ ये लोग ना आए, तो गिजा का ख्याल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, 30 मिनट्स एटलीस्ट अ डे, और कम से कम 5 से 6 दिन हफ्ते में होनी चाहिए, और फिर उसके अलावा वजन टू मेक श्योर कि वजन ना बढ़े, एक्सरसाइज को अंडरटेक करना है। ट्रीटमेंट्स हैं जो इस दुनिया में बेतहाशा अवेलेबल हैं। उसके अलावा लोग बड़े कॉमनली पूछते हैं कि हमें कॉमन बंदे को क्या पता होना चाहिए कि शुगर सिंपल लोगों को पता है कि उनकी दो किस्में प्राइमरी हैं, एक होती है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जो जनरली थिन लीन अर्ली एज में हो जाती है, बच्चों में कॉमन है, बिल्कुल पतले होंगे और डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल होगा, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट हो जाए उससे। ऑटोइम्यून होता क्या है कि आपकी जो आइलेट्स हैं इंसुलिन कुलिए बनाने इंसुलिन बनाने वाले कुलिए हैं, उनके ऊपर ऑटो एंटीबॉडीज जाके अटैक करती हैं और वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ग्रेजुअली होता क्या है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है इन मरीजों में, और इनका अनफॉर्चुनेटली जो ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल है टाइप 1 डायबिटीज का वो है इंसुलिन रिप्लेसमेंट। अब दूसरी जो कॉमन डायबिटीज है उसे हम डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं, जो आमतौर पर फैमिलीज में रन करती है, क्योंकि आपको वालदैन में है, भाइयों बहनों में है, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी एज लोगों में आती है। लेकिन क्योंकि अगर हम पुराने अपने एंसेस्टर्स से कंपेयर करें, हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है, लोग ज़्यादातर हमारे बच्चे अब आउटडोर्स नहीं जा रहे, सोफे में बैठ रहे, टीवी, और डाइट हमारी बहुत मुरगन हो चुकी है, हो रही है, फ्राइड फूड्स हैं और फूड चेन्स, इनकी वजह से क्योंकि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, बच्चे अपने लाइफस्टाइल में हैं, तो इन लोगों में अब हमें यंग से यंग बच्चा टाइप 2 का मिल रहा है जिसमें ओबेसिटी आ गया। तो अब इसमें आपकी लाइफस्टाइल के अलावा जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं टैबलेट्स फॉर्मेशन में, जब टैबलेट्स काम करना बंद कर देती हैं ग्रेजुअली, देन दे एंड अप बीइंग ऑन इंसुलिन या और GLP-1 एग्नेस्ट हैं जो कि इंजेक्टेबल्स हैं, इनहेल्ड इंसुलिन भी दुनिया में अवेलेबल हैं, सो यू नो बहुत डेवलपमेंट उस लिहाज से डायबिटीज में हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जल्दी जल्दी से अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस भी ले सकें, बहुत सारे सवाल जो हैं वो कमेंट्स में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप थोड़ा सा हमें थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में बता दें, थायराइड होता है एक्चुअली, थायराइड क्या चीज़ है? बहुत जबरदस्त, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थायराइड। अब थायराइड एक जिसे हम आज हार्मोन्स पे बात करें, दैट इज व्हाट एंडोक्रिनोलॉजी इज पर से, हार्मोन्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स उनकी मैनेजमेंट। अब थायराइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, जो कि नेक में लोकेटेड होता है। अब थायराइड को जनरली ऐसे ही तस्वीर हम देते हैं कि जिस तरह की गाड़ी की बैटरी होती है, इसी तरह आपका इंसान का थायराइड जो है उसका पूरा मैकेनिक्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर गाड़ी की बैटरी आपकी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो गाड़ी उसका परफॉर्म नहीं करेगी। लाइकवाइज अगर आपका थायराइड स्टेबल नहीं है तो आपकी बॉडी सही परफॉर्म नहीं करेगी। अब इसमें प्राइमरी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं अंडर एक्टिव थायराइड या हाइपोथायराइड, कि थायराइड कम काम कर रहा है। जब थायराइड कम काम करेगा इसका मतलब बैटरी वीक है,
तो सारी चीज़ें ये हो जाएगी कि पेशेंट का थकना, मोटापे का होना, बालों का गिरना, और अगर फीमेल साइड पे जनरली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होना, पीरियड्स में इश्यूज होना, और नींद का ज़्यादा ना, सुस्ती का रहना, ठीक है, वाटर रिटेंशन एंड सो ऑन, और उसमें फिर आगे जाकर रीनल इश्यूज, कार्डियक इश्यूज एंड सो ऑन, वो इशू होता है। सो प्राइमरी अंडर एक्टिव हाइपोथायरॉइड में हर चीज़ स्लो डाउन होती है, ओवर एक्टिव थायरॉइड में हाइपर में हर चीज़ कट डाउन हो जाएगी कि वजन गिर जाएगा, लोग एजिटेटेड रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, उनको नींद नहीं आएगी, बिजार होंगे, वजन गिरेगा तेजी से, ट्रेमर्स होंगे, एजिटेशन होगी, हार्ट रेट तेज होगा, पल्पिटेशन एंड सो ऑन। सो अब उसमें आ जाता है कि अगर आपको थायराइड हाइपो है, हाइपर है, और खासतौर पर वो करते हैं क्योंकि जनरली जैसे हम हाशिमोटोस थायराइड कहते हैं, हाइपो थायराइड है, और ये फैमिलीज में रन करता है, नॉट नेसेसरीली हर फैमिली मेम्बर एंटीबॉडीज चेक करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आती है दैट इज़ वेरी मच सपोर्टिव कि आपको हाशिमोटोस है, और अगर हाइपर थायराइड है उसमें भी ऑटोइम्यून प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसको हम ग्रेव डिजीज कहते हैं, इलाज दोनों के हाइपो में आपके रिप्लेसमेंट थेरेपीज आ जाती हैं कि आपको थायरोक्सिन को रिप्लेस करोगे और आप लेवल्स को नॉर्मल ले आओगे जहाँ पे डी एस एच मेंटेन रखा जाएगा और पेशेंट वुड फील एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो इलाज इनके हैं, प्राइमरीली पेशेंट को पता हो कि उसकी फैमिली में एक इशू चल रहा है एंड ही और शी हैज़ टू बी विजिलेंट कि उसका प्रॉपर टाइम पर अगर वो कुछ अलामत देखे अपने में अपने बच्चों में तो उनको ये पता होना चाहिए हमें फ़ौरन थायराइड चेक करानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अब हमने सवाल की तरफ चलते हैं, हम लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में सवाल हुआ है, वो भी आपने उसका जवाब दे दिया है। अगला सवाल हम लेते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर T4 रेंज हाई है और TSH रेंज नॉर्मल है तो क्या करना चाहिए? देखिए ये इंटरेस्टिंग सवाल है, पहली चीज़ तो ये कि ऑपरेशन आई होप किसी ट्रीटमेंट पर नहीं है। ओके, ठीक है ना, पहली तो चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट ले रहा है उसको देखना है, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा और उस पर TSH और फिर T4 चेक हुआ तो उसमें देखना चाहिए कि TSH आमतौर पर जैसे ही आपके T4 लेवल्स ऊपर जाएंगे तो TSH स्प्रेस हो जाएगा, TSH आ रहा है पिट्यूटरी से, ब्रेन से, सो इसका मदर ग्लैंड, सो जैसे ही थायराइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो मदर ग्लैंड स्प्रेस हो जाएगा कि भाई अब थायराइड को मैं स्टिमुलेट ना करूँ। नाउ इन केसेस में जो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है उसमें अगर TSH नॉर्मल रह रहा है तो वो एबनॉर्मली नॉर्मल है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, और T4 ऊपर चला गया तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंट्रल इशू तो नहीं आ रहा कि ब्रेन फिर भी स्टिमुलेट करी जा रहा है कि थायराइड और बने, और उसमें फिर T3 भी आप चेक कर सकते हैं फर्दर इसको एंड्रोस करने के लिए कि इशू सेंट्रल आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास अगला सवाल है, एज में प्रीमेंस्ट्रुअल डिप्रेशन इज नॉर्मल, व्हाट इज द क्योर एंड हाउ टू अवॉइड इट? देखो प्रीमेंस्ट्रुअल डिप्रेशन ऑब्वियसली और पैरा मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो जल्दी पेन्स एक्स एंड सो ऑन कहते हैं कि आपको अब जब मेंस्ट्रुअल फेजेस आती हैं तो उसमें इन लोगों में जल्दी एक फैमिली ट्रेंड भी चलता है, फैमिलियर पैटर्न चला आता है डिप्रेशन का और इन चीज़ों का, उसमें साथ में आप ये देखें कि ये शुरू कब हुआ और किस फेज पे शुरू हुआ और उसके अलावा आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल एलिमेंट्स कितने चल रहे हैं तो उनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। पहली चीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने वजन पे, लाइफस्टाइल पे, डाइट पे, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये कि अगर पीरियड्स आपको पेनफुल शुरू हो जाए जिसे हम डिसमेनोरिया कहते हैं तो आपको अपने गायनेकोलॉजी से एक एवेल्यूशन लेना पड़ेगा, और इफ द थिंग्स स्टिल परसिस्ट देन सर्टेनली आपको साइकेट्रिक हेल्प भी चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लड़कियों की एज होती है 24-25 साल की बट दे लुक लाइक अ 14-year-old गर्ल, सिमिलरली विद द बॉयज के वो भी 25 साल के होते हैं और लेकिन उनकी एज ऐसे लग रहा होता है देखने से कि वो 14 साल के हैं या 15 साल के, ऐसा क्यों होता है? इसमें प्राइमरी चीज़ अब ये बड़ा टिपिकल हार्मोनल इशू सर्टली टॉप ऑफ द लिस्ट होगा इसमें कि हार्मोनल इम्बेलेंस कहाँ पर हुआ है कि आपको ब्लूवर्थ या प्यूबर्टी या मेच्योरिटी नहीं कर रही, ठीक है ना, क्योंकि आप सर्टनली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो 9 के दरमियान प्यूबर्टी हिट करेंगे एंड मेल्स स्लाइटली लेटर, क्या वो से अराउंड 11-14 कैंड ऑफ थिंग 30 होता है। हाइपोगोनाडिज्म की तरफ सोचते हैं कि मेल हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे कि वो मेच्योरिटी को रीच करें, एंड लाइकवाइज फीमेल पैटर्न में फीमेल हार्मोन्स नहीं आ रहे इसीलिए आप उस मेच्योरिटी लेवल को नहीं रीच कर रहे। तो इन लोगों को डेफिनेटली सबसे पहले अपना हार्मोनल इवेल्यूशन बेसलाइन जिसे हम कहते हैं जो गोनेडल एक्सेस चेक करता है
कि ग्लूकोज का एक्सेस को नॉर्मल है या नहीं है, वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आएगा. उसके बाद सर्टनली आपको ग्रोथ हार्मोन का एवेल्यूशन चाहिए, थायराइड का एवेल्यूशन चाहिए, दैट वुड बी एडेड. ठीक है डॉक्टर साहब, एक मेरा और सवाल है इसी से रिलेटेड कि आपने अभी बात की है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें. हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर हमारी डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, तो आपको क्या लगता है कि डाइट में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इफेक्ट ना करें और हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह रह सकें? और डाइटी जैसा से वो जैसा अट्रैक्ट करते हैं हमारी यंग जनरेशन सो ऑन, उसमें पहली चीज़ ये है कि अब आपकी वो ऑर्गेनिक डाइट्स नहीं रही अनफॉर्चुनेटली जो कि किसी वक्त हुआ करती थी. उसमें आपको बड़ा केयरफुल होना है कि आपकी जो डाइट की सोर्स है उसमें आर्टिफिशियल सिंथेटिक कोई चीज़ें इन्वॉल्व तो नहीं है. ठीक है, प्योर. और उसमें आपका डाइटरी प्रोडक्ट से ले ले, उसके अलावा जितनी आप फ्रेश वेजिटेबल्स को अपनी डेली रूटीन डाइट में इन्वॉल्व कर सको तो वो उतना बेहतर होगा. ठीक है बिल्कुल ठीक है. मेरे पास एक सवाल आया है दुआ का. माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इफ योर साइकिल इज परफेक्ट व्हाट्स द रीजन ऑफ हेयर ग्रोथ एंड व्हाट टू डू नॉर्मल आफ्टर टेस्ट, देन प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ हेयर ग्रोथ. And after waxing, keep on increasing the quantity under chin area and other face as well. हाँ, ये actually बड़ी major female population है. I must confess कि जो रुझू करती है dermatologist को, अपने GPs को, अपने doctors को, certainly endocrinologist को, इसमें दो राय नहीं है कि hormonal issue ही at the end of the day in patients में होता है. और होता है क्या, प्राइम रीजन जो आ रहा है फेशियल हेयर ग्रोथ का कह लें, एक्नी का कह लें, इरेगुलर पीरियड्स का, उसमें टॉप द लिस्ट आपका एलिमेंट होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं. इसमें एक कॉमन चीज़ जो इन्वॉल्व हो रही है इन पेशेंट्स में वो आ रही है एलिमेंट ऑफ ओबेसिटी या ओवरवेट. द मोमेंट ये फीमेल पॉपुलेशन अपनी ओबेसिटी ओवरवेट की तरफ टच करती है, दोस्तों मूव कर जाती है अनफॉर्चुनेटली, और ये नहीं कि 100% होती है, नॉर्मल BMI के साथ भी पेशेंट्स में होगा. होता क्या है कि आपके जो मेल हार्मोन जनरेशन है वो बढ़ जाती है. सो होता क्या है, मेल फीमेल आप जिसको भी लें उनमें दोनों हार्मोन्स हैं. अब मेल में फीमेल हार्मोन भी है लेकिन मेल हार्मोन के लेवल जस्ट टू मेक इट सिंपल यहाँ पे है तो फीमेल उनमें यहाँ पे. सो क्या है कि मेल हार्मोन क्योंकि डोमिनेंट है तो वो दे वुड अपीयर उनमें मेल चीजें आएंगी. लाइकवाइज इन फीमेल, अब फीमेल हार्मोन उनका यहाँ पे होगा, मेल हार्मोन लेवल्स यहाँ पे होंगे. सो दे हैव बोथ द हार्मोन. अब होगा क्या कि जब आपकी ओबेसिटी आ रही है या फॉर व्हाटएवर रीजन आपका मेल हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ये जो रेशियो है वो कम हो जाएगी. अब ये कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनमें फीमेल का पैटर्न थोड़ा जा रहा है और मेल चीजें अपीयर होना शुरू हो रही है. सो दैट्स व्हाई आप देखो मेल हार्मोन ऊपर आए ना तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस शुरू हो जाएगी, हेयर लॉस होगा, जबकि बाकी बॉडी में हेयर ग्रोथ हो रही है. सो दे गेट सरप्राइज कि बाकी बॉडी में हेयर आ रहे हैं, लिप्स पे, चेस्ट पे, बॉडी पे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि सर पे मेरे हेयर गिर रहे हैं. सो आपका मेल हार्मोन, सो हमें क्या करना है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं जो आमतौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी बस लेकिन नॉट इन एवरी केस, उसमें हमें ये देखना है कि आपके मेल हार्मोन्स कहाँ पे पड़े हैं. आपकी LHFSH फीमेल को उसकी सेंट्रल पिट्यूटरी से रेशोज कहाँ पे आ रही हैं, और उसके बाद एलिमेंट ओबेसिटी की वजह से आपके सम और हार्मोन्स और सर्दी जिसने डायबिटीज का जिक्र किया वो भी A1C एंड सो ऑन इवैल्यूएट करते हैं. तो ये जरूरी है कि कोई कुछ डाइट में प्रॉब्लम आई हो या हमारी साइकिल डिस्टर्ब हुई हो तो ही ऐसे होता है, क्या ये खुद भी हो सकता है या नेचुरली भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखो जरूरी है कि नहीं, डाइट सर्टेनली हर केस में डाइट इज नॉट द कल्प्रिट. ओके, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है. ओके, कि अगर आप ये देखो फैमिलीज में पेशेंट आया हो कहेगा मेरी वादा को भी इस एज में शुरू हो गई थी पीरियड्स की रेगुलरिटी या हेयर ग्रोथ या एक्ने होना, मेरी सिस्टर्स हो गई थी सो ऑन. सो होता क्या है, लेकिन बॉटम लाइन चीज 90% केस को आप एड्रेस करें तो आपने उनको एक चीज कहनी है कि आपका रिलेशन विद वेट गेन, अब वो वेट गेन डाइट की वजह से आया था कि ज्यादा स्टीरॉयड इंड्यूस कोई डाइट्स आ रही थी ऐसी आर्टिफिशियल जो यूज होते हैं जिसकी वजह से वेट गेन हुआ, या ये जो जंक फूड का एलिमेंट आ गया था. तो जहाँ पे वेट गेन आएगा वहाँ पे ये इशू प्रोग्रेस कर जाएगा. ठीक है, हमारा अगला सवाल हम लेते हैं. हाय, आई एम फेसिंग स्क्वेयर
scalp follicles and graying of hair. I have visited many doctors and have taken tetracycline, minocycline and other antibiotics coupled with, you know, in medicines ke naam likhe hue and shampoo. Really, and came back, I face pustules and redness on my scalp. Even egg or other oily food. I'm 21, don't know what to do. Is it related to high male vision? I hope. No, I think he's a male. He's a male. Sorry, male patient who is saying that my face pe growth hota hai. Nahin, unke scalp ka problem hai. Redness ho jati hai. Aur graying, baal jo hai, gray hona shuru ho gaye hain. Sir, I personally would feel that if a male patient has this issue, then certainly a baseline hormonal issue will be resolved. But dermatologist would be the most appropriate doctor for this patient. Okay, so your question is related to dermatology. Doctor is not related. Okay, our next question is about polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome, do endocrinologists better treat or gynecologists? देखो गायनेकोलॉजिस्ट में मेरे कोलीग्स हैं और मेरी रिस्पेक्ट है. सो द होल थिंग इशू है क्या और जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्योंकि इट्स वेरी कॉमन हर मरीज को जिसमें हिर्सिटिज्म या हेयर ग्रोथ एक्नी हेयर लॉस हेयर एपिपीडर्स आ रहे हैं उनको ओबेसिटी को देखना है फिर देखना है कि हमारे मेल हारमोन्स फीमेल हारमोन रेशियो कहाँ डिस्टर्ब हुई और कितनी डिस्टर्ब हुई क्योंकि जो आपकी ट्रीटमेंट है उसको डिफाइन करने वाला एलिमेंट ही ये है कि आपको इश्यू बॉदर क्या कर रहा है देख रहे हैं नहीं देख रहे सो यू सी सो देयर मोर लेवल देख के आपका ट्रीटमेंट टेलर होगा कि आपकी जो डिमांड्स हैं और आपके जो इश्यूज हैं उसको हम कैसे टेलर करके ट्रीटमेंट को हैंडल करते हैं. ठीक है, अगला सवाल मुझे बहुत पसंद आया. Hi, please put the light on this subject that why does the doctor recommend antibiotics to adults and kids too? What is the way to avoid that? Antibiotics ke baare mein zawaal. I think it's a general question for generally I would say any physician or any doctor. Ab dekho isme do raaye nahi hai ki unfortunately hamare region mein keh lo ya for whatever reason antibiotic prescription ek bada fashion ya common cheez ho gayi. जबकि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस है कि आप हर किसी को एंटीबायोटिक लेने नहीं, नहीं, यहाँ पे आपके कोई भी इशू शुरू होता है आप पहली चीज जो आपके जहन इजी आ जाती है क्योंकि आप एंटीबायोटिक ऐसे लिखी जा रही है अनफॉर्चुनेटली जैसे पैराडोल लिखी जा रही है. आई एम नॉट सेइंग हर कोई ऐसे कर रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप डेली लाइफ में देख रहे कोई बंदा डॉक्टर के पास गया वगैरह टू मी इट्स अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन एंड अनफॉर्चुनेट बट डज हैपन. So you just have to be sure कि आप जिस डॉक्टर के पास रुजू कर रहे हो इस appropriately ठीक है ना एंड वो आपको justification दे सकते हैं कि at what stage क्या indication थी कि हमें अब antibiotic दे ही देनी चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स की तरफ से मेरा ये है कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि इससे जल्दी ठीक हो जाओगे ये जल्दी एक मेथड क्योंकि हुआ क्या है हुआ ये है कि ह्यूमन बॉडी की एक अल्लाह ताला ने नेचुरल इम्यूनिटी प्रोसेस दिया हुआ सो एंटीबायोटिक ज्यादा यूज की वजह से हम वो इम्यूनिटी बॉडी की डेवलप ही नहीं अनफॉर्चुनेटली होने देते. सो दैट्स अ डार्कर साइड एंड दैट्स वो वरी वरी सम है. हमें चाहिए कि पेशेंट को इनिशियली लेट आपका अपना इम्यूनिटी सिस्टम उसको फाइट करे फिर एक सर्टन स्टेज आती है कि जहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड देखना है कि हाँ आप थोड़ी सी एंटीबायोटिक तो वो आपके इम्यून सिस्टम को फर्दर हेल्प कर देगी बट नॉट कि पहली स्टेज पे पेशेंट वॉकिंग किए है हेल हार्टी खेलता कूदता है और कहें मुझे काम हो गया था एंटीबॉडी व्हिच आई फील वो अनफॉर्चुनेट हो जाएगा. सही, बहुत ज्यादा सवाल है मैं जल्दी जल्दी इसको आंसर करना पड़ेगा. इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड थायराइड डिजीज? नॉट रियली, नॉट टिपिकल. थायराइड डिजीज एज आई सेड मोस्ट कॉमन दुनिया में जो मिलती है देखने के स्पेशली कंट्रीज और आजकल के एरा में वो हाशिमोटोज डिजीज हाइपोथायराइड Graves disease, hyperthyroid. So, ये autoimmune issues हैं. Thyroid affect blood pressure. Absolutely. अगर hypo है या hyper है, yes. Okay. अच्छा, next question है, sir, hormones से sexually feelings पर असर होता है? Hormones हैं ही sex driven things, yes, absolutely. Okay.
ठीक है कि मतलब इट्स अ वेरी कॉमन इशू, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में, और स्पेशली जिस स्ट्रेसफुल लाइफ से जर्नी हम गुजरते हैं स्ट्रेस में हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर जाते हैं, एंड दैट इज अ रीजन कि आप इश्यूज फेस करते हो. ओके, नेक्स्ट सवाल है, इज नोड्यूलर गोइटर जनरली नीड टू रिमूव? नोड्यूलर गोइटर होता क्या है, पर तो ये हम नाज़रीन को समझेंगे. गोइटर हम ये कहते हैं जब थायराइड नॉर्मल है उसमें एक ग्रोथ हो जाए और वो डिफरेंट साइज की हो सकती है. अब ग्रोथ नोड्यूल थायराइड के ऊपर, जिसे नोड्यूल या ग्रोथ कहते हैं, वो इतनी कॉमन है कि अगर मैं बाहर 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड करूँ ना तो 5 को ये नोड्यूल होगा. सो इट्स सो कॉमन. सो पहली चीज़ है, नोड्यूल का होना इज नथिंग टू वरी अबाउट. वो तो पहली चीज़ है कि नोड्यूल हो गया तो अब वो रिमूव होना चाहिए नहीं होना चाहिए. उसमें साइज क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके अल्ट्रासाउंड पे करेक्ट कि खुदा से वो कैंसर वो चीज़ें कुछ सजेस्ट तो नहीं करता. अगर उन तरह या उसकी फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड अगर हमने ड्यूरेशन 6 months 1 year 2 year पर आके उसको फॉलोअप किया है, उसके साइज बढ़ रहा है, ठीक है, या वो आपके नीचे विंड पाइप को कंप्रेस कर रहा है या खाते हुए मुश्किल होती है, तो हाँ वो कुछ इंडिकेशन आती है जहाँ पे आप उसको रिमूव करेंगे. शॉर्ट ऑफ इट, आपने सबसे पहले देखना है कि पेशेंट को कहीं हाइपोथायराइड तो नहीं हो गया, कोई हाशिमोटोज़ डिजीज, क्योंकि उनमें भी नोड्यूल्स होने का बहुत चांस है. अब उसमें तो आप थायराइड जैसे ही रिप्लेस करोगे तो जो आपके थायराइड भर रहा है वो वापस अपने साइज पे जाने का पूरा चांस है. ओके, I have thyroid cyst and I have already aspired 3 months ago. Now doctor again said aspire it for further treatment. I'm so worried about my problem. Please suggest me what measure can I take. देखो पहली चीज़ ये thyroid cyst is quite common as I said. Thyroid cyst 99.9% yes they are benign. Benign का मतलब they are negative. Nothing to worry about. Okay. They are not going to be cancerous. So उसमें बड़ा रिस्क होता है कि द मोमेंट यू एक्सपायर देम दे आर लाइक टू री अकर. सो इसमें जनरली हम सजेस्ट करते हैं इफ इट्स नॉट बॉदरिंग यू, छोटी सी है, जस्ट लीव, डोंट टच इट. इफ हाफ ऑफ द थायराइड इज रिमूव्ड बाय सर्जरी, इज द रिमेनिंग लोब्स स्टिल कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग मेटा? अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दो चार, ठीक है, सर्टेनली आई एम 100% श्योर कि आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने थायराइड की अदर लोब रिमूव किया होगा कि साइज बहुत छोटा था, सिर्फ एक लोब में था, फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव थी, लिम्फ नोड्स नेगेटिव थे एंड सो ऑन. सो एक लोब रिमूव कर दिया, ठीक है. अब उसमें ये चीज है कि सर्टनली बहुत क्लोज फॉलोअप चाहिए इस पेशेंट का विद सर्टन हार्मोन लेवल, ठीक है. सेकंड उसमें ये कि इसका आपको ये देखना है कि थायराइड TSH को आपको नॉर्मल रखना है, ठीक है. अब काफी दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं इसमें कि भी रीजन से किया था तो क्या रिप्लेसमेंट थेरेपी थायरोक्सिन पेशेंट को देनी है. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि उस पर लोड पड़ता है, ब्रेन कहता है थायराइड बनाओ और उसका साइज बढ़ेगा. तो उसका साइज ना बढ़ने के लिए को ऐड करते हैं ताकि आपकी जो रिमेनिंग थायराइड का पोर्शन है उसको हेल्प मिल जाए एंड इट डजंट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज. I have cyst and fibroids and I got surgery 2 times. Tell me how to prevent ovarian cyst. Ovarian cyst, I would suggest कि आप तो gynecologist को रुचि को रुकिए. ठीक है. Okay. जैसे hair growth issue, best help with dermatologist. ठीक है, ये भी आपने इसका जवाब दे दिया. Back करके देखिएगा, इसका जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया. ठीक है. I have irregular periods, but plus this time the periods exceed the 15 days. Is hormonal imbalance can be cured and what is the reason of looking like a child when you are an adult? हाँ, इसका जवाब भी जल्दी वैसे मैंने डिटेल में दे दिया इससे पहले. आप उसको रिव्यू करके देखो. लेकिन उसका इरेगुलर पीरियड्स वाला थोड़ा इश्यू है, सर्टेनली इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, वन ऑफ द रीजंस. और उसमें देखना चाहिए कि इरेगुलर पीरियड्स के अलावा क्या क्या आ रहा है. नॉट नेसेसरीली कि आपको हिर्सुटिज्म में हेयर ग्रोथ रैकिंग भी हो, हेयर लॉस भी हो. वजन को देखना पड़ेगा, हार्मोन लेवल्स को देखना पड़ेगा. यस, इट्स ट्रीटेबल. ओके, डिपेंड ऑन द. आशी कालिक का क्वेश्चन है, हाइपोथायराइड वेट ऑलमोस्ट इंक्रीज 15 kg आफ्टर मेडिकेशंस स्टार्ट स्टिल लेट मी सजेस्ट. देखो दो चीजें हाइपोथायराइड में, हाइपोथायराइड वेट सर्टेनली दे गो पैरेलल. ठीक है, हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म लो हो गया, जैसे गाड़ी का मतलब बैटरी इज नॉट गुड, इज नॉट गुड टू फंक्शन एज वेल.
अब इस पेशेंट में आपने उसको प्लेसमेंट थेरेपी में डाल दिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम आमतौर पे हम डीएसएच को देखते हैं फ्री टी थ्री फ्री टी फोर। अब फ्री टी थ्री का मैंने इसलिए मेंशन किया कि फ्री टी थ्री एक ऐसी चीज है जो हमें नॉट इन एवरी केस बट क्वाइट अ फ्यू केसेस में देखनी चाहिए कि फ्री टी थ्री लेवल क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एक्टिव थायराइड है, जो बॉडी में सारा काम कर रहा है, वो एक्चुअली फ्री टी थ्री है। जो आप थायरॉक्सिन की दवाई रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले रहे हो, वो भी बॉडी में कन्वर्ट हो रही है जाके टी थ्री में, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट्स परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन। वहां पे नहीं नजर आता जहां पे होना चाहिए। okay. और उन पेशेंट्स को हम टी फोर और टी थ्री की कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, उनमें देखी गई है कि उनका एनर्जी लेवल का बूस्ट होता है और उनमें वेट लॉस कुछ ज्यादा बेहतर देखा गया है इन हाइपोथायराइड पेशेंट्स में। सो उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप अपना टी थ्री लेवल भी चेक करो। ओके, आई हैव हाइपोथायरॉयडिज्म and my vitamin D level decreases all the time. Could you suggest me a good multivitamin? Okay, prescription तो हम दे नहीं सकते, हम कोई medicine का नाम ले नहीं सकते, तो आप थोड़ा सा कोई अगर कुछ और other than medicine है कुछ इस पे बात करना चाहेंगे सवाल? देखो, उससे पहली चीज़ है कि vitamin D deficiency जो है that certainly is pretty much everywhere. हमारा वो सन एक्सपोजर है ही नहीं जो आज से पहले 20-25-50 साल पहले हुआ करता था. So vitamin D deficiency is pretty much in every case. अब तो यहाँ पर आ गए कि हम वाइटामिन डी लेवल चेक करना भी बॉदर नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है वाइटामिन डी लेवल नीचे आएगा, सो व्हाई इवन बॉदर। अब रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जनरली जो हम रिकमेंड करते हैं वो हम करते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाइटामिन डी इन फीमेल्स एवरी वीक, और मेल्स में हम एवरी 2 वीक्स करते हैं। वी जनरली ऑन एवरेज लाइक देयर वाइटामिन डी लेवल 25-hydroxy वाइटामिन डी लेवल्स टू बी अराउंड 50-75। Okay, SLE causes and treatment. Logical issue है. Okay. Tickle lupus. Okay, not related to endocrinology. Sorry. अच्छा. How to increase progesterone level? अच्छा, progesterone level पहली चीज़ है कि आपने increase क्यों करना है? ठीक है, देखनी पड़ेगी ना, because it's not something, it's a safe form, it's not like Tylenol or Panadol or painkiller या aspirin इस पे ले रही है. So it's a hormone. ठीक है, इस प्राइमरली या फीमेल हार्मोन में से, और उसमें देखना पड़ेगा कि इशू क्या हो रहा है और इसको आप इंक्रीज क्यों करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, ज्यादातर हाइपो से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। टेस्ट कौन से करवाने चाहिए चेक करने के लिए? मैं फेशियल हर्पोस, एज आई सेड, वी आर टॉकिंग अबाउट पीसीओएस एज प्राइम ऑफ द लिस्ट, और उसमें हाइपरप्लासिया इज अदर थिंग, बट हैविंग सेड दिस, आप प्राइमरली एलएच एफएसएच लेवल चेक करोगे, प्रोलैक्टिन करोगे, एवं सीखा लोगे, ठीक है, जबकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी साथ साथ में पता चले, डीएचई एसएल स्टॉप कॉल करोगे, ठीक हो गया। हाउ टू इंक्रीज वेट, इसका मतलब आप अंडर वेट हो या मैलनरिश्ड हो, सो पहली चीज है कि हमें देखना है रीजन। रिसेंटली जो आज आपका हमारा टॉपिक है, हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है आपको? क्या आपके थायराइड बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू लूज वेट? ओके, डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि मैंने खुद अपने मरहम के फोरम पे देखा था, लोगों ने शॉर्ट हाइट से रिलेटेड या हाइट इंक्रीज से रिलेटेड इस तरह की बातें लिखी हुई थी, कि वो क्या प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट? आई वुड से वन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट जो हार्मोनल इश्यूज आते हैं उसमें हाइट इशू है। जेनेटिक भी होते हैं, ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन, आपका ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन है जो आपकी हाइट को कंट्रोल करता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों में जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो 40 साल की उम्र में, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ मेरे 2-4 इंच हाइट और हो जाए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लिमिटेड टाइम फ्रेम है, जो हम मर्दों में जल्दी कहते हैं कि मर्दों की जो बोन फ्यूज हो जाती हैं अराउंड 16-17 ईयर्स, फीमेल में 15-16, जहाँ पे बोन फ्यूज एंड हाइट उसके बाद होना बहुत मुश्किल है। आप फैमिलियल पैटर्न फॉलो कर लो, पेरेंट्स की हाइट कैसी है, दैट इज गोइंग टू सजेस्ट आप कहाँ पे आके होनी चाहिए या कहाँ पे आके आप रुकोगे। तो उसमें अगर आपका शॉर्ट स्टेचर देखा जा रहा है और आप फैमिली में नोट कर रहे हो कि जी कि हम में से कोई इस एज में ऐसी हाइट पे नहीं था, आपका बच्चा स्कूल, जी बच्चा
छोटी हाइट पे है, तो इसका टाइनी इवेल्यूशन करते हैं, तो उस पर सर्टली हम आपके मेटाबॉलिक हार्मोन्स करते हैं और ग्रोथ हार्मोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे है। और तीसरी चीज़ हम एक एक्सरे कराते हैं हैंड का कि आपकी बोन एज कहाँ पे है। अच्छा। क्या आपकी बोन एज, आपके फर्स्ट कोई बच्चा आता है उसकी उम्र 12 साल है, पेरेंट्स कहती है तो 12 साल का है, उसकी बोन एज कहती है मैं तो 9 साल का, हड्डियों की एज 9 साल है, उसमें बड़ा चांस है कि उसकी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। आप उसको ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट दोगे, कुछ हम चार्ट ग्रोथ हार्मोन जो थेरेपी, वो ऐसे नहीं है कि हर कुछ को आप लिख दो नहीं, अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी एक्सपेंसिव थेरेपी जो कॉमनली पाई जाती है, उसकी प्लेसमेंट होती है और फिर उसके बाद हम उनके बेंच मार्क्स को मॉनिटर करते हैं। मेरा बड़ा ही उस आवाम के लिए सवाल है जो कि वर्किंग डे मतलब काम करते हैं ऑफिस में 9 आवर्स अ डे, काम कर रहा है तो देयर मस्ट बी चांसेस कि उसकी जो है या हम लोगों की सर में दर्द होता है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे होते हैं, बट आई बिलीव बिकॉज इट हैपेंड टू मी एब्सोल्युटली। तो कोई इसकी प्रिकॉशंस हैं हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब होता ये कि बॉडी के हार्मोन्स जनरली जो स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं हम लोग, हाँ उनका एक सर्कैडियन रिदम कि भाई किस लेवल पे वो लेवल थोड़ा ऊपर होगा, किस घंटे कितने अरसे बाद वो थोड़ा नीचे जाएगा, फिर फ्लक्चुएट करेगा। अब आपकी बॉडी किस तरह से स्ट्रेस में गई है फॉर वट एवर रीजन, तो जैसे लाइक स्टीरॉयड्स या ग्रोथ हार्मोन, अब इसी तरह से आप रिलैक्स लाइफस्टाइल में आ रहे हो तो आपके स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अगर 4 दिन किसी बंदे ने नींद नहीं की बिकॉज ऑफ जॉब रिलेटेड इश्यूज या वट एवर लाइफ स्ट्रेसफुल है, तो हार्मोन लेवल्स अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी को। इट मे नॉट अफेक्ट आपकी बॉडी को टोलना दे एक सर्टन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन सर्टनली आफ्टर वीक्स मंथ्स बॉडी इज गोइंग टू शो अप कि हाँ बॉडी स्ट्रेस में रही है, तो उसका एक आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। सो प्रिकॉशंस आर कि आपको अपना लाइफस्टाइल को मॉनिटर करना है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करना है और मिनिमाइज करना है। सर मेन चीज जिसको आपने प्लीज अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाने डेली एक्टिविटी का, वो ये कि कम से कम 30 मिनट्स आप किसी तरह एक्सरसाइज जिम वॉकिंग निकाल लें, क्योंकि आपकी बॉडी उसमें हार्मोन्स स्क्रीट करती है एंडोर्फिन्स। अब ये हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपको उसके 2-4 घंटे एक्सरसाइज से यू फील रिलैक्स्ड बेड, या आप उसके बाद अगले दिन उठते हो तो यू फील वे रिलैक्स वे फ्रेश एक्सरसाइज की होती है। तो ये हार्मोन्स का रिलीज, अच्छे हार्मोन्स का एक्सरसाइज, एंड आई वुड स्ट्रॉन्गली अर्ज कि इस टाइम में लिटिल ट्रेड या दिन दो दफा या आधा घंटा थोड़ा टाइम निकाल के उसको इन्वॉल्व करें, दैट बी ग्रेट। ठीक है, तो जो आम काम करती है ऑफिसेस के अंदर 9 घंटे की ये 6 दिन काम करती है हफ्ते में, उसके लिए एक बड़ा ही अच्छी टिप दी है डॉक्टर साहब ने कि वो जो है थोड़ा सा आधा घंटा निकाल के वॉक करें, तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, इससे आपके हार्मोन्स भी इफेक्ट नहीं करते हैं। अगला वेलकम डॉक्टर, माय हस्बैंड इज 43 एंड आई हैड एंजियोप्लास्टी डन पास्ट 10 ईयर्स अगो, नाउ हैविंग डायबिटीज टेकिंग साइटामिड, ही इज हैविंग नी पेन, हील पेन, शुगर इज नॉट कंट्रोल। हाँ जी, पहली चीज़ तो ऑब्वियसली है कि ही नीड्स हिज शुगर टू बी फिक्स्ड, स्पेशली अगर एनजीओ भी हो चुकी है या कोई हार्ट इशू भी आ रहा है या डायग्नोज भी हो चुका है, तो शुगर लेवल हैज़ टू बी कंट्रोल। एंड सेकंड थिंग इज जो मेडिकेशन आप बता रहे हो, यस वो शुगर में हेल्प करता है बट इट्स अ वीक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, सो हिज ट्रीटमेंट नीड्स टू बी एप्रोप्रिएट जस्ट। देखो आई वॉन्ट से इट्स अ मिथ, टू बी ऑनेस्ट आई वॉन्ट डू नॉट वॉन्ट टू एंटागोनाइज एनी किसी भी सेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ को। कई ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं अनडाउटली, अब शुगर में कितना असर डालती है ट्रायल्स नहीं है कि मैं कहूँ जी आप ये लोगे तो
फिगर दे सकते। अब ह्यूमन टू ह्यूमन वेरिएबिलिटी भी है कि एक बंदे को वो चीज़ बहुत इफेक्टिव है, दूसरे को कम है, तीसरे को बिल्कुल नहीं है। सो वो सब चीज़ें जहन में रखनी है। बाकी ऑर्गेनिक फूड्स हैं जो शुगर लेवल्स नहीं चलाते, यस दे आते हैं। ओके, अब अपने लाइव सेशन को थोड़ा रैप अप करने लगे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से आखिरी कुछ सवाल डॉक्टर साहब से पूछ। अच्छा, अगला सवाल है हमारे कि माय फास्ट बट A1C वाज 6, व्हाट शुड आई डू? A1C नहीं, अगर हीमोग्लोबिन A1C 6 है, व्हिच नॉर्मल इन द सेंस कि अगर आपको पहले डायबिटीज हो चुकी है, अब डायग्नोज हुआ है, ये नंबर 6 आ रहा है, शुगर नॉर्मल है, तो ये सिर्फ ये सुजेस्ट कर रहा है कि आपको प्री डायबिटीज है। नॉर्मल A1C इज 5.7 एंड लेस, 5.8 टू 6.4 आप प्री डायबिटीज में फॉलो करते हो। ठीक है 6.5 एंड अबव इज डायबिटीज। सो 6 इज नॉट नॉर्मल पर से बट इज नॉट डायबिटिक। ठीक है, 22 इयर्स ओल्ड की हैं वो और लेकिन वेट उनका 44 है, तो ये कैसे चीज़ें उनको हमने बैलेंस करना अपनी एज के हिसाब से, अपने वेट को कैसे लेके चलना? देखो, उसमें चीज़ सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपने आपने देखना है कि आपके हाइट कहाँ पे है। ठीक है ना, ये थोड़ी है कि आप आपकी एज से अगर हाइट 5'4" है तो आप अपना BMI कैलकुलेट करो। ओके, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो हाइट और वेट को फॉर्मूला से आपका बॉडी मास इंडेक्स बताएगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अब BMI आपका 18-24 इज टेकन एज नॉर्मल, 25-29.9 को हम कहते हैं ओवरवेट, 30-34.9 गोज विद माइल्ड ओबेसिटी, 35-39.9 गोज विद मॉडरेट एंड 40+ इज सुवेयर ओबेसिटी। ये BMI की क्लासिफिकेशन है। अब वो BMI को आपको लाना है नॉर्मल रेंजेस में, बिटवीन 18-24। सो वो डिफाइन करेगा कि भाई आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट कितना हो कि आपका BMI इस रेंज में आ जाए। सही, ठीक है, सो कैलकुलेट योर BMI फर्स्ट। एंड अगला सवाल है कि आई एम एनीमिक ऑल्सो, 62 kg वेट इन 1 ईयर, आई एम स्ट्रिक्टली क्लीन ईटिंग, नो सॉल्ट, नो शुगर, नो ऑयल। सो द आइडिया वॉज टू लूज वेट आई गेस, और बिकॉज यू बीन स्टेइंग सो क्लीन। सो अगर आपको वरिष्ठ में कोई इंडिकेशन कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा और वेट लूज हो रहा है, तो सर्टेनली यू नीड टू गेट योर थायराइड चेक, हार्मोन प्रोफाइल इवैल्यूएटेड कि रीजन क्या है। ओके, फीलिंग टू मच वीकनेस बिकॉज ऑफ हाइपोथायरायडिज्म एंड डायबिटीज। सो डायबिटीज नीड्स टू बी फेस्ड, सर्टेनली दैट इज वन पार्ट। सेकेंड थिंग है कि आप अगर मेल हैं तो आपने देखा कि डायबिटीज के साथ आपके जो बाकी मेल हारमोन्स हैं वो अफेक्ट हुए या नहीं हुए, बिकॉज बॉडी मास और मसल मास, उसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन के वेरिएशन चाहिए। थर्ड पार्टीज का हाइपोथायरायडिज्म में आपको देखना है कि आपका TSH लेवल कहाँ पे है, फ्री T4 उसके साथ फ्री T3, क्योंकि थकावट अगर आपका फ्री T3 लेवल भी नीचे लेवल पे है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपकी थायराइड TSH नॉर्मल भी होगा, यू वुड स्टिल आर लाइकली टू बी एक्सपीरियंसिंग टायर्डनेस। अच्छा जी, लाइव सेशन होने ज़्यादा ख़त्म, मैं अपना आखिरी सवाल ले रही हूँ जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा सवाल और बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा आवाम जो है इस वक्त डायबिटीज़ की शिकार है। ये सिर्फ एक जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी नेचुरल डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है अपने खाने पीने का, कि हम कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे ना कर लें चीज़। उन्होंने पूछा है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज बेस्ट होती हैं ताकि उनकी शुगर लेवल नॉर्मल रह सके। देखो, एक्सरसाइज, अब देखो इट्स सच अ वाइड क्वेश्चन, इट्स सच अ ओपन क्वेश्चन। देखो, एक बंदा 90 साल का है, जस्ट टू मेक अ पॉइंट, अब उसको लिए एक्सरसाइजेस वो तो नहीं हो सकती जो एक 25 साल वाले के लिए, क्योंकि वो कर नहीं सकता। लाइक वाइज एक बच्चा है 12 साल का, अब उसको कहें कि तुम 50 साल वाले की एक्सरसाइज करो, मे नॉट बी। तो आपको देखना ये कि आपका जो पेशेंट है वो एज ग्रुप क्या है और उसकी कोमॉर्बिडिटीज क्या है, लिमिटेशन क्या है, अब वो सब देखे। सो इट्स अ होल पैकेज, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि ड्यूरेशन क्या है। सो ड्यूरेशन, अगर आप वॉक कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो या आप एक स्प्रिंट लगा रहे हो या डंबल्स उठा रहे हो, व्हाटएवर, दैट इज लेस इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ड्यूरेशन क्या है। सो ड्यूरेशन एज आई सेड हैज टू बी अराउंड 30 मिनट्स पर डे फॉर एटलीस्ट 6 टाइम्स अ वीक। ठीक है, अब ये आपको अपने पेशेंट को देख के अपनी कैपेबिलिटीज देख के मैं किस तरह कर सकता हूँ। अगर एक बंदा वो वॉक भी कर ले तो दैट इज द लीस्ट गेस।
एक बंदा जो कहता है मैं वॉक नहीं कर सकता, पेन से एक सेंड, तो वो डंबल्स ही उठा ले, सोफे में बैठा टीवी देख रहा है, वो थोड़े से अपने मसल मास को कुछ स्ट्रेच कर ले, ठीक है, थोड़ा सा अपने टोन्स मेंटेन कर ले। सही है, तो इस लाइव सेशन से हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर आपको डायबिटीज है और या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर डायबिटीज है जो कि आपको हाई रिस्क है कि आपको भी हो सकती है, तो अपनी ओबेसिटी की तरफ मत जाएं, डाइट अच्छी रखें, बीएमआई कैलकुलेटेड रखें अपना, और एक्सरसाइज मेंटेन रखें। और अगर थायराइड प्रॉब्लम्स हैं तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि ऑर्गेनिक खाने को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जंक फूड का यूज़ कम करें। डॉक्टर साहब, अब जो है हम इख्तिताम सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि प्लीज़ डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिलीज में आ चुकी है, हमारे घरों में घुस चुकी है, सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी मुरक्कम गज़ा, हमारा स्ट्रेसफुल रहन सहन तरीका, जॉब व्हाटएवर, उससे हमने कैसे बचना है। और उसमें नंबर वन चीज़ जिसमें मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ वो है अपना वेट मेंटेन रखना, अपना बीएमआई को 2400 से नीचे रखना। वो आप कैसे करते हो, मेरे पास एक मरीज आता है वो कहते हैं जी मैं 4 रोटियां खाता हूँ, ठीक है, और मेरा वजन नहीं गिर रहा, तो ऐसा वो सजेस्ट तुम कम करो। एक आता है वो कहते हैं जी कि मेरा वजन जो है वो फिर भी बढ़ रहा है, मैं 2 रोटी या 1 रोटी खाता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जी आपका लाइफ स्टाइल में ये है कि आप, एक बंदा आता है वो कहते हैं जी मैं हफ्ते में थोड़ा सा केक पीस चख लेता हूँ, लेकिन चखता हूँ अब वो राधा सजेस्ट किया चेक करो, इन्जॉय करो लाइफ, तुम थोड़ा सा चखते हो, तुम उससे बेहतर हो जो 4 रोटियां खा लेता है, इससे बेहतर है तो आप एक पराठा खा लो। यू सी एम सिंह, सो द पॉइंट इज यू हैव टू वॉच योर पोर्शन साइज। ये नहीं कि ये सेफ है, ये पराठा तो नहीं है ना, तो अब मैं इसको पोर्शन साइज बहुत बड़ा कर लूँ, नहीं प्लीज। सो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि आपकी कैलरी गिनती, आपका वजन ना बढ़े, बस बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, अपना बीएमआई मेंटेन रखें, आप क्या खाते हैं क्या नहीं, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अपनी प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा बता दें, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, लोगों ने सवाल पूछा है। तो डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिस करते हैं वो नेशनल हॉस्पिटल में भी करते हैं और DHA फेस 6 में भी करते हैं, वेस्टर्न मेडिकल सेंटर हमारा। और आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म से जाके आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं अपना लाइव सेशन, नेक्स्ट लाइव सेशन में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए खुदा। Thank you so much.